तो दोस्तों मौज एप्लीकेशन की आईडी अगर आपकी फ्रीज हो चुकी है तो उसको अनफ्रीज कैसे करना है, ये बहुत से कठिन कठिन सवाल हैं। जब आप लोगों के दिमाग में इस तरह के कोई सवाल चलते हैं तो आप फटाफट से कमेंट कर देते हो, लेकिन मेरा काम बनता है कि आपके उन सवालों पर एक वीडियो के माध्यम से जवाब दे देना। तो आते हैं सीधे टॉपिक पर। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें दोस्तों, और हमारे सभी पेजेस पर आप जुड़ सकते हैं। यहाँ तक कुछ छोटी सी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मौज एप्लीकेशन पर सबसे पहले असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि वाकई में आपकी वीडियो, वाकई में आपकी आईडी फ्रीज हो चुकी है। क्या क्या उसमें सिम्टम्स होते हैं? नंबर वन और नंबर लास्ट कि आपका प्रोफाइल ग्रो नहीं होता। ग्रो होने के कुछ कारण भी आपको बताता हूँ, जैसे कि व्यूज़ नहीं आना, आपके वीडियोस पर कोई भी व्यूज़ नहीं आएंगे, और उन वीडियोस पर जो व्यूज़ आते हैं, एक्चुअल में जीरो व्यूज़ तो नहीं होने वाले, पर जो भी व्यूज़ आते हैं वो व्यूज़ आपके नॉर्मली व्यूज़ काउंट होते हैं। यानी कि ये अगर मान के चलो जो वीडियोज़ आप ये व्यूज़ देख रहे हो, ये मेरी उस वक्त की आईडी है जब मेरी आईडी ये फ्रीज़ हो चुकी थी। मैंने इसको कैसे ओपन किया है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये टोटल जो व्यूज़ आप देख रहे हो ये एक एल्गोरिथम बेस्ड चलते रहते हैं, यानी कि 1,000, 2,000, 3,000 व्यूज़ एवरी वीडियोस पर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जब आपको ये पूरा पता चलता है कि आईडी तो मेरी अब ये फ्रीज हो गई है, मुझे भी ऐसा लगा, तो मैंने क्या करा, शेयर चैट को और मौज एप्लीकेशन को मैसेज के द्वारा पहुँचा दिया उन तक ये मेल। नहीं, मेल अब आपके सामने आएगा, ये है वो स्क्रीन। इस मेल पर आपको भी अपनी शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी मौज एप्लीकेशन को। अब मौज एप्लीकेशन को आप कोई भी शिकायत देते हो तो उसमें लिखना क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको अपना नाम, अपने नाम के साथ अपना प्रोफाइल हैंडल, यूज़र नेम आपको लिखना होगा, अपना मोबाइल नंबर आपको लिखना होगा, और सब्जेक्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है माई मौज आईडी अनफ्रीज, या फिर प्लीज़ माई मौज आई डी अनफ्रीज, ऐसा कुछ करके जो भी आप लिख सकते हैं ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको एक अच्छा सा एप्लीकेशन टाइप आपको बनाए, जैसे कि डियर मौज एप्लीकेशन, मेरी ये आई डी पिछले इतने दिनों पर ये व्यूज़ लेके आ रही है, जबकि मैं अपनी मेहनत को दुगनी कर चुका हूँ। पहले महीने तक अगर मैं 100% कर रहा हूँ तो आज मैं 300 कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आई डी कहीं फ्रीज तो नहीं हो गई, और अगर ऐसा है तो कृपया मेरी आईडी को अनफ्रीज करें, थैंक यू मौज एप्लीकेशन। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ और एडिशनल चीज़ें इसमें लगानी है तो आप बेशक वो भी चीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं, पर भेजना आपको इसी ईमेल एड्रेस पर है। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि मौज एप्लीकेशन पर जब ये ईमेल आपका पहुंचेगा तो वो आपके चैनल को रिव्यू करेगा, और रिव्यू करने के बाद पता लगता है कि क्या वाकई आप सच्ची वीडियो बना रहे हैं। सच्ची का मतलब आपका खुद का कंटेंट है, आप एज ए क्रिएटर शेयर चैट और मौज एप्लीकेशन को मेल कर रहे हैं, तो मौज एप्लीकेशन आपकी वीडियोस को और अच्छी ग्रिप देगा और अच्छे व्यूज़ लाने का मौका देगा, और वो आईडी आपकी अनफ्रीज हो चुकी है, जैसे कि मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो मेरे आपके व्यूज़ आपने देखे 2,000, 3,000, 4,000, इस वक्त जो व्यूज़ हैं वो क्रॉस करते हैं 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। तो यहाँ पर इस तरह से आप भी अपनी आईडी को अनफ्रीज कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक आज का अच्छा लगा होगा, अगर वाकई अच्छा लगा है एक लाइक कर देना। आज के लिए बस इतने ही दोस्तों, जय हिंद।